इसको देखो, इसकी साइज देखो, और वो कुत्ते को ये डरा रहा है, बाहू तुम्हारी साइज देखो, तुमसे 5 गुना बड़ा है। बाहू बोला मुझे छोड़ो, अभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मुझे छोड़ो। बाहू वहां पे जाना नहीं है, पीछे ठीक है। नहीं जाना। क्या लग रहा है बाहू तुमको? हाँ बाहू क्या लग रहा है? राम राम सीताराम, गुड मॉर्निंग। आजकल इसके बच्चे इतने ज्यादा बढ़ गए कि सुबह सुबह सिर्फ चकलियों की आवाज ही आती है बाहर निकलते, और थोड़ा सा अभी ठंडा वेदर होता है सुबह सुबह, ठंड तो नहीं लेकिन थोड़ी सी गर्मी नहीं होती, मतलब थोड़ी सी ठंडक हो गई होती है। चकलियाँ बहुत ज्यादा है, जहाँ पे देखोगे चकलियाँ ही दिखेगी। अभी बाहू को सभी जगह चक्कर लगाना होता है, ओम अभी गया है रामदेव छोड़ने के लिए गया है, और बाहू को जाना था पीछे दौड़ के। यस अर्जुन, भूख लगी है? मीरा गीगन अभी कर रहा है यहाँ पर क्लीन, फिर जब रामदेव आएगा या पापा दोनों में से कोई, इसका दूध निकलवाने में थोड़ा सा साथ में रहना पड़ता है। ठीक है अर्जुन, इसीलिए 2 मिनट वेट कर लो तुम। ओके तो अभी इसको लग रहा है, जब 5 मिनट हुआ था ना सुबह सुबह, इसको लगता है कि मुझे अभी खोलेंगे तो दूध पीने जाना है, लेकिन थोड़ी देर रुक जाओ। ओके 2 मिनट बस, अभी एनर्जी आ गई है बहुत ज्यादा। सुनो रुक जाओ 1 मिनट, आज हमें ऊपर का काम भी खत्म करना है सारा, ऊपर के रूम का थोड़ा सा क्लीनिंग, बेबी के लिए जो रूम रेडी करना है, कुछ वॉल पेपर्स लगाने और सब कुछ। तो जब गीगन फ्री हो जाएगा और रामदेव फ्री हो जाएगा तो तुम दोनों लोगों की जरूरत पड़ेगी। चलो अभी आएगा, ठीक है थोड़ी देर वेट कर लो। पार्टी यहाँ पे क्या कर रही है कि तोरल को एप्पल और बनाना खिला रही है, खुद भी खा रही है और मतलब एज ए ट्रीट। अगर उसको अच्छे से खिलाना है तो किलो के हिसाब में चाहिए होते हैं, लेकिन ये खुद भी खा रही है और इसको भी खिला रही है। एप्पल था, बनाना भी खिलाया है ना। मेरे से नहीं है, वो भी हो रहा था खत्म, तो मैंने शेयर किया तोरल के साथ। और ऐसे ऐसे ही यूज टू भी होगी मेरी, क्योंकि मैं इतनी आती नहीं हूँ अभी इसके साइड। लेकिन ये घोड़े गाय उनको ट्रीट बहुत पसंद होती है, वैसे कुत्तों को भी टाइम टाइम पे उनको ट्रीट देनी। खाना खिला के बोल रही हूँ कि 2 महीने बाद मुझे भी राइडिंग में राइडिंग करने देना। फिर शायद एक और घोड़ी चाहिए होगी, क्योंकि ये अभी मेरी है राइडिंग में। तुमको मुझे गिफ्ट में देनी होगी, सरप्राइज गिफ्ट। चलो अभी से। अच्छा ये तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा, तो तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है? वो है, वो आ रहा है उसके ऊपर राइडिंग करना। इसको ना हमें सुबह सुबह करना था ओपनिंग, इसका अनबॉक्सिंग, लेकिन क्या है ओम को इतनी जल्दी थी तो फिर ओम ने जल्दी जल्दी कर दिया था, और मम्मी को भी दिखा रहे, पापा को भी दिखाया था, और अभी सीखना पड़ेगा मम्मी को। देखो ये बाहर निकला, सीधा स्टार्ट किया। मम्मी राजभाई का वीडियो कर रहे हैं सामने, तो अभी इसमें ट्राई करेंगे आवाज़ और सब कुछ क्या है कैसा है देखेंगे। अभी इसमें कुछ ज़्यादा सेटिंग तो होता नहीं है, बहुत सिंपल है, और पहले अभी DSLR था हमारे पास तो इतना कुछ हार्ड नहीं लग रहा है इसमें, लेकिन देखेंगे अभी और दिखाएंगे आप लोगों को भी। एक आराम देनो बेबी मोटो थे जाए तारे एक हो गए थे जाए पसी के कहीं निकी नो कह रही थे हमारे तो मैं नहीं के उतना मैं करो हमारे ना लाभ ले जाए जो मारे। तो ये नए कैमरे से पहला वीडियो हमने स्टार्ट किया, अभी देखते हैं कैसा आएगा इसमें। अभी तो अच्छा लग रहा है, शायद थोड़ा सा पीछे ब्राइट लग रहा है, लेकिन हमारा फेस अच्छे से दिख रहा है, तो अभी देखते हैं इसका आवाज़ कैसा है सब कुछ। व्लॉगिंग के लिए बना है कैमरा तो अच्छा ही आएगा सब कुछ। अभी क्या कर रहे हैं राजू भाई आए हुए, गीगन है, रामदेह है, तो अभी ये सीढ़ी जो है इसको थोड़े टाइम के लिए दूसरे रूम में रख देते, क्योंकि ओम अभी इतना ऊपर सोता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जगह हो जाए। अभी देखना पड़ेगा इसको कैसे निकाले बाहर। ना
जगह है कटोकटी नहीं कर अभी दूसरे रूम में भी इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ेगा। ओम को नहीं अच्छा लगेगा, यहाँ पे आएगा तो बोलेगा कि मेरी सीढ़ी कहाँ पे गई, यहाँ से भेजा है। हाँ, तो अभी क्या किया है हमने रूम में, यहाँ पे ये इससे ओके। तो ये हमारे रूम में हमने यहाँ पे जो सीढ़ी थी वो निकाल दी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अभी सिर्फ ऊपर का क्लीन करना है, अभी वहाँ पे ऊपर क्लीन करना है जिसमें मुझे गिगन हेल्प कर देगा थोड़ी सी। वो क्या है कुहाड़ी इतना हम दे रखी है कुहाड़ी पे। आए कोई आया, हाँ कोई आया तो इसका गला काट देना है ऐसे। दिख रहा है वहां से सीढ़ी निकल गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा जगह हो गई है। तो ये अगर यहाँ पे सोफा छोटा वाला रखना है या फिर एक दो चेयर्स भी रखनी है तो रख सकते हैं। इसको टेबल को भी पास के रूम में हम जाने देंगे। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं और बस क्लीनिंग कर देते हैं। तो बाद जो लास्ट का काम था वो खत्म हो गया। अभी यहाँ पे बहुत मैसी है, निकल दिखा देना, लेकिन नीचे यहाँ पे पोस्टर लगाना और सब कुछ है वो खाना खाने के बाद करेंगे। हाँ यहाँ से बंद है, लाल गोर सकल है। मैं पोरबंदर आया था और भाटी का पीछे से फोन आया, भाटी को लेना है वॉशिंग मशीन। तो क्यों थे आमा आमा हूँ बे हर खाली तो जैसे ना आमा तुमने फैसिलिटी बदली जैसे आमा इको बबल्स ने वस्तु आई पी जैसे जरा तुमने जरा मशीन में जैसे पाउडर ना को ना तो पाउडर सूट है पहले डम्बनी नीचे जाए जैसे उसे डम्बनी नीचे थी कवर करे तो आमा सूट है डम्बनी नीचे जैसे डम्बनी नीचे थे बबल क्रिएट कर से नहीं नहीं अंदर तुम्हारा वॉश कर से प्लस ऑटो सेंस वालों से जे रीत तो तुम्हें मोटर वेलो क्यों बगड़ से आमा थी બગડ છે નહીં આઈટમ છે પણ તમને બગડવાનો ચાન્સ નહીં દઉં એ દિવસના ત્રણ વર્ષની વોરંટી આવે ને એની જગ્યાએ હું તમને થોડાક પૈસા તમે આપશો ને એટલે પાંચ વર્ષની ફૂલ કરી દઈશ કેટલા પૈસા આપું તો હું તમને હમણાં જોડાવી દઉં હા ચેક કરો આ રાખવું છે કાં રાખવું તમે સિલેક્ટ કરો એ ઓલું જ રાખો બરાબર હા અચ્છા તો એ ફિક્સ હુઆ ફાઇનલ અભી સેમસંગ ક્યાં હૈ ઇસકા ડીજી ઇન્વર્ટર 8 કેજી કા લેકે જાતે અચ્છી ઓફર હૈ ક્રોમા મેં વૈસે આજ आज नहीं दिवाली की रहती होगी, मैं तो नहीं देखता इन चीज़ों को, भाटी देखती रहती ऑनलाइन। तो इसका फाइनल हुआ है तो अभी मैं हूँ पोरबंदर के बाहर, ऊपर मेरे हैं नागार्जुन सिसोदिया ब्रिज। वॉशिंग मशीन का ऑल सडन हो गया, घर पे था मशीन लेकिन पता नहीं पुराना था ऐसा कुछ है तो अभी चल रहा होगा, लेकिन वो टॉप लोड वाला था, अभी ये साइड लोड वाला लिया है तो जल्दी घर आएगा और पार्टी का काम आसान हो जाएगा थोड़ा। मुझे कुछ और अभी है काम, वो करके फिर ओम को कलेक्ट करूंगा, ओम को स्कूल से, उसके बाद जाएंगे घर। ओम एंड ध्रुविशा दोनों साथ में मेरे साथ आ गई है, ध्रुविशा ध्रुविशा के पापा यही है तो दोनों मेरे साथ ही गाड़ी में आ गए। ओम और ध्रुविशा बचपन से जाते हैं छोटे से सबसे, अब तो ये दोनों बहुत बड़े हो गए है ना। जब ये छोटे थे ना तब भी साथ में जाते थे ऐसे, देखो ये बच्चे होते हैं, अभी इनको लग रहा है कि ये बड़े हो गए। तो अभी मैं स्कूल से आया, हाँ, और मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करवा हूँ। और क्या क्या, ये न्यू कैमरा में, यस ये न्यू कैमरा में हम देख रहे हैं, हम हमारा फेस भी हमें दिख रहा है वहाँ पे चलो ये स्क्रीन में तो मैं कर रहा हूँ अभी जीएसटी पेमेंट, मतलब जो भी चालान क्रिएट करके पेमेंट करना होता है, जितना भी हमने जीएसटी चार्ज किया होता है प्रमोशन वगैरह में, और हमारे पास जीएसटी नंबर है, हमने ले लिए हैं। वैसे कुछ कुछ कैटेगरीज में शायद यूट्यूबर को नहीं है, कुछ लोग नहीं लेते होंगे, लेकिन जीएसटी देनी चाहिए। मेन हमारा इसमें है जो प्रमोशन वाले वीडियोस में होते हैं, चार्ज करते हैं जीएसटी, जो भी बिल क्रिएट करते हैं बिल देते हैं प्रॉपर, और उस पे जो आता है वो पैसे हम वापस सरकार को दे देते हैं।
तो और बाकी तो हम एज ए फार्मर हमें कोई टैक्स नहीं होता हमारे ऊपर, लेकिन एज ए यूट्यूबर जो देना होता है, और हम दो कंट्री का टैक्स पे करते हैं, यूएस में जो भी यूट्यूबर है वो और एक इंडिया का, तो वो भी करना होता है। यूएस में तो अपने आप ही हो जाता है पे, अगर हमें नहीं भी करना है तो वहाँ से पैसे कट के ही आते, जो डॉलर में पेमेंट आता है वो वो उनका वही है कि यहाँ वहाँ के जो यूएस के व्यूअर्स होते हैं उनके ऊपर 15% वहाँ के व्यूअर्स की जो भी रेवेन्यू जनरेट हुई होती है उसके ऊपर 15% टैक्स लगता है, 15%, मतलब 15% और बाकी फिर यहाँ नहीं कि मेरे में शूटिंग भी हो रहा है, तो देखते हैं अभी कैसा आएगा आवाज और सब कुछ। और आवाज तो ठीक, अभी तो ऑटो में ही है, हमने कुछ किया नहीं है अभी, देखिए ऑटो में ही अच्छा रहेगा शायद, क्योंकि ये उसी के लिए है, अगर फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद सेटिंग्स करने जाएंगे तो व्लॉगिंग कब करेंगे, तो इसको ऐसे पकड़ के शुरू हो जाना है। नहीं कि मेरे में यहाँ पे व्लॉगिंग कर सकते हैं अभी कैमरा में देखते, और इसकी अच्छी बात है इसमें जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक बॉर्डर आ जाती है रेड वाली और लाइट भी आ जाती है, छोटा सा कैमरा है उसका स्टैंड भी हमारे पास, तो स्टैंड पड़े हैं बहुत सारे, तो उसमें से एक हो गया, ये अपने आप घूमता भी है ना, Insta360 का है ना। हाँ, तो आप लोग देखते रहिए ये लड़के के साथ, ये लड़की के साथ और एक पेट में है बच्चा उसके साथ, लेकिन उसका हमें नहीं पता क्या है, बॉय और अ गर्ल, बेबी आने वाला है। एक मिनट नहीं, तीन मिनट ले लो, चार मिनट ले लो, पाँच छः सात आठ। मैं और गीगन अभी ये लाइनें लेके जा रहे हैं, यहाँ पे हमें जो ज्वार लगाई है उसमें पानी देना पड़ेगा, क्योंकि आजकल धूप बहुत है, गर्मियाँ, तो उसकी वजह से ज्वार को पानी की ज़रूरत है। और मूँगफली तो अभी 3-4 दिन और हैं, उसके बाद हमारा जो पार्टनर है वो गया है MP में, मोहन, तो आएगा तो सीधा ही मूँगफली का काम स्टार्ट होगा। इस बार भी प्रोडक्शन इतना खास नहीं, ठीक ठाक ही आएगा, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से, लेकिन जितना भी आएगा ठीक है। रेफ्रिजरेटर हमारा नहीं होगा, हमारा सिर्फ वॉशिंग मशीन आई होगा, आई थिंक। खोली ने चेक करूं जो है डैमेज तो नहीं है, अच्छा लगा। ओके आइले बाहर निकले जा, चल भाई ले भाई, वो इवे मची एक थे एक अभी थाल क्लीन होके आई है ऑलरेडी, थोड़ी सी जो डस्ट कुछ दिखने, डस्ट तो यहां पड़े पड़े भी आ जाते हैं। सो अभी यहां पे आया है हमारा नया वॉशिंग मशीन, क्रोमा से भाई रुतु बन। तो यहाँ पे आ गया है हमारा वॉशिंग मशीन, और अभी क्या था कि बेबी आ जाएगा तो बेबी के भी बहुत सारे कपड़े होंगे, और हमारा जो पुराना है वो नहीं अच्छे से चल रहा है, तो ये वॉशिंग मशीन है हमारा, हाँ है, लेकिन वो भी नहीं चल रहा है इतना अच्छे से, तो इस बार हमने थोड़ा सा महंगा वाला लिया, लेकिन वो टॉप लोड है, अभी ये साइड लोड लिया। हाँ कल से ये बॉक्स तुम कैसे, हाँ कल से तुम्हारे लिए ये बॉक्स, ठीक है, ये मेरे और मम्मी के लिए दिवाली गिफ्ट आ गया है।
पहले से। ये अभी कुछ ओपन में था, एसीएसटी ने सब कुछ प्लान नहीं था ऐसे ही था। भारती ने मुझे मैसेज किया कि मैंने बोला है ऑलरेडी आप लोगों को, अभी वीडियो में वही मैंने सिर्फ देखने के लिए बोला था। भारती को पता था कि मैं वहाँ से पास होऊंगा, आगे जो काम था मुझे वहाँ जाना था, तो बोले कि क्रोमा में जाना। तो मैं गया, मशीन देखा, मैंने बोला कि ले लेते हैं, ऑफर में है, तो फिर ले लिया। ये कुछ अच्छी गारंटी में आया है, 33,000 में 53,000 करवाई मैंने, टोटल प्राइस थी इसकी 2400 रुपए में, एक्सटेंडेड भी करवाई, बाकी फुल पीस टू पीस की है, 3 साल की जो कंपनी देती है, फिर 2 साल की टाटा वाले देते। तो ये क्या कर रहा है अभी? अच्छी बात है, क्यों निकल रहे हो वापस हम? आने दो, अभी मैं नोम जा रहे खेत में चक्कर लगाने के लिए। ओके, मैं एक मिनट पानी पी के आता हूँ, तुम्हारी खिचड़ी थोड़ी सी बाकी है, वो ख़त्म करते फिर जाते। ओके, आगे जाने दो, बाहु भी रेडी हो गया है, बाहु को पता चल गया कि अभी हम जा रहे हैं। इसको देखो, इसकी साइज देखो, और वो कुत्ते को ये डरा रहा है। बाहु तुम्हारी साइज देखो, तुमसे 5 गुना बड़ा है। बाहु बोला मुझे छोड़ो, अभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ, मुझे छोड़ो। बाहु वहां पे जाना नहीं है, पीछे ठीक है? नहीं जाना। क्या लग रहा है बाहु तुमको? हाँ बाहु, क्या लग रहा है तुमको? चलो, आज बाहु ने ना पहली बार कुत्ता देख लिया रास्ते में, इसलिए इतना बहुत ज्यादा एंट्री मारा है। बाहु बाहु चलो, छोटा पैकेट है लेकिन बड़ा धमाका है ये, चलो। अब थोड़े बहुत ही ऐसे कच्चे रास्ते बचे हैं, हाले तो यहाँ पे राइड करना मज़ा आता है, घोड़ी और राइडर दोनों को, क्योंकि रोड पे क्या होता है कि थोड़े पाँव में भी ज़्यादा नुकसान होता है घोड़ों के, रोड की वजह से, डामर रोड की वजह से, और स्लिप होने के, एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये रास्ते में मज़ा आता है चलाने का, और इसको चलने का भी। हले, और ओम को अभी चलते फिरते कैमरा को ढूंढता है ना। हाँ। नहीं कैमरा,